दोस्तों, अभी अभी नेट्रिकन मूवी का मैंने टाइटल ट्रैक सुना डिज्नी प्लस हॉटस्टार के यूट्यूब चैनल पे, जिसका मैं आपको इस वीडियो में रिव्यू देने जा रहा हूँ। तो रिव्यू पूरा जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना मत भूलना। तो देखिए, अभी नेट्रिकन का जिस तरीके से टाइटल ट्रैक लिखा गया है, वो एडिटिंग आप देखिए। और हाँ, सुपर वुमेन कहना चाहिए नयनतारा को भाई। उनका लुक, उनका रोल हमेशा यूनिक होता है, हमेशा डिफरेंट होता है और हमेशा माइंड ब्लोइंग होता है। नेट्रिकन मूवी में जिस तरीके का वो रोल यहाँ पे करती हुई नज़र आ रही है एज अ ब्लाइंड वुमेन, वही तरीके का, उस तरीके का कैरेक्टर प्ले करना एक एक्टर के लिए बहुत ही डिफिकल्ट काम है। साथ ही साथ में अगर वो अच्छे से क्रिएट कर जाए उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को, तो उस चीज को देखने से अच्छा मुझे नहीं लगता किसी और बड़े एक्टर की एक्टिंग होगी यहाँ। तो देखिए क्या है यहाँ पे जो गाना है, नेट्रिकन नेट्रिकन जब वो बोलती है, जब यहाँ पे वो गाने का जो साउंड आप सुनिए, बैकग्राउंड स्कोर जब आप सुनोगे, तो भाई दिल में ऐसे धक 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 होगी ना। और वैसे जो ब्लड कलर का जो यहाँ पे एडिटिंग एडिटर ने यहाँ करी है, वो देख के तो भाई और ज्यादा डर लगता है। डर भी लगता है और कह लीजिए मज़ा भी आता है उसको देखने में, कि भाई एक तो क्या सस्पेंसफुल और थ्रिलर फिल्म है ये, उसको एक सस्पेंसफुल और थ्रिलर टाइटल ट्रैक की भी जरूरत थी, जो ये नेट्रिकन के डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर ने मिलके यहाँ पे दिया है भाई, बहुत ज़बरदस्त। और आपने नयनतारा को लिया है तो मतलब एक्टिंग की तो कोई कमियाँ होगी नहीं। जो यहाँ पे विलन का रोल कर रहे हैं, उनका लुक अगर आप इस वीडियो में देखोगे तो देखोगे भाई क्या लुक वो दे रहे हैं। नेट्रिकन उरुंडुमई करके वो गाना है, वो गाना आप सुनिए, वो आवाज़ आप सुनिए, वो लिरिक्स आप सुनिए, तो आपको पता चलेगा कि भैया कितना मीनिंगफुल वो लिरिक्स है। साथ ही साथ में बैकग्राउंड स्कोर कितना ज़बरदस्त है। गाना वाकई में एक एक सीधे सीधी सी एक पेज में चलता है ना। ज़्यादा इन्होंने बैकग्राउंड स्कोर डाला है, ना ही ज़्यादा इन्होंने कह लीजिए बहुत ही स्मूथ वे में सॉन्ग को क्रिएट किया, सॉन्ग को एडिट करके सॉन्ग को बनाया गया है। सॉन्ग के लिरिक्स भी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल स्मूथ वे में लिखे गए हैं। गाना अच्छा है, गाना सही है। आपने सुना है कि नहीं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नयनतारा की आप कितने बड़े फैन, उनकी कौन सी मूवीज़ आपने अब तक देखी हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताना मत भूलिएगा। और ऐसे ही रिव्यूज़ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना और मेरे वीडियोज़ को शेयर करना मत भूलना।